बिग बॉस के घर में बदलते हैं लोग गिरगिट की तरह रंग। जल दिखेगी देवोलीना हिंदुस्तानी भाव के बीच में जंग। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है प्रशांत और यास्मीन। सबसे पहले हम प्रशांत से जानते हैं कि कल के एपिसोड में क्या क्या खास देखने को मिला। तन्वी, कल का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। जैसे कि कल परसों जो हुआ था बीते दिन, उसमें क्या था कि हमने चार दावेदार चुने थे, लेकिन कल बिग बॉस इतने भड़क गए कि ज्यादातर जो कंटेंडर जो बने थे कैप्टेंसी के लिए वही सोते हुए नजर आए, जिसको लेकर के बिग बॉस ने ये कैप्टेंसी टास्क रद्द कर दिया और इस हफ्ते कोई भी कैप्टन नहीं बना है। इसके अलावा कल घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी देखने को मिली, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही हैं, तो वो उन दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिली। कहीं ना कहीं लोगों को लग भी रहा है कि आरती और शहनाज की वजह से, इवन शहनाज तो खुद कहती भी है कि कहीं ना कहीं तुम दोनों की दोस्ती मेरी वजह से भी टूट गई है। इसके अलावा कल एक टास्क भी हुआ, लग्जरी बजट टास्क भी कल चला, जो कि आज भी चलेगा, लेकिन कल थोड़ा सा ही हुआ, तो कल जो हुआ वो कल तक ठीक था, लेकिन आज उसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल मचेगा, शायद वो भी रद्द ना हो जाए। तो कल का एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा। यास्मीन, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला फिर से भिड़ते नजर आए, जो घर के करण अर्जुन हैं वो कहीं ना कहीं अब जो उनकी दोस्ती थी और लोग काफ़ी पसंद करते थे उनकी दोस्ती को, वो अब दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आरती सिंह को इसका कहा जा रहा है कि उन्होंने इन दोनों के बीच में जो भी है मिर्ची लगा, तो तुम्हें उस पर क्या कहना है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सिद्धार्थ और आसिम का कल हिमांशी का देखा गया, एक उन्होंने जो स्टैंड लिया है दोनों को आके सॉर्ट आउट कराने का एक कोशिश की थी उन्होंने कि आप लोग दोनों सॉर्ट आउट करो, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे दोस्त हैं ये दोनों, तो दोनों के बीच मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए। लेकिन आरती क्या कर रही थी, वो भड़काने वाला काम कर रही है। उन्हें पता है कि जब सामने से वो आसिम को रोक रही है कि उसमें प्रोवोक मत करो, लेकिन वो खुद भी तो वही काम कर रही है। वो अगर वो फिजिकली करना चाह रहे हैं आसिम, तो वो तो मतलब बोल के कर रही हैं ये काम, मतलब भड़काने वाला। उन्हें पता है कि सिद्धार्थ को कुछ भी बोलो तो वो भड़क जाएंगे, तो वो क्यों वैसे काम कर रही हैं, मतलब उन्हें और प्रोवोक करने वाला काम क्यों करें जिससे और दोनों के बीच लड़ाई हो जाए। तो ऐसा लगा है मुझे कि आरती ने मैच लगाने का काम किया है। प्रशांत, क्या लगता है इस पर? देखिए, मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि आरती और शहनाज का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिर्ची लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब आसिम रियाज को भी सिद्धार्थ शुक्ला से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे कि बाकी के घर वालों ने आपस में बात भी करी, वीकेंड का वार पर सलमान खान ने भी ये चीज़ बोली थी कि आसिम पीछे बैकबोन करके बोल दिया, परछाई करके बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ओवरशैडो आसिम को लग गई है कि भाई दोस्त तो है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिद्धार्थ के पीछे ही दिख रहा हूँ, मेरा अपना आगे से कुछ नहीं स्टैंड आ रहा है सामने, और ना मैं लोगों को उस तरीके से दिख पा रहा हूँ आगे से। तो कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी भी देखने में लग रही है, जिस हिसाब से वो आरती वगैरह बात करें कि उसको ऐसे बोल दिया तो वो चिढ़ गया है, उसको खुन्नस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं, उनको भी मुझे थोड़ी देखकर हैरानी हुई कि वो भी यही चीज़ बोलने लगे कल कि उसको तो मैंने स्टार्टिंग के हफ्ते के बाद ही देख लिया था, उसकी कुन कुन चीज़ों को नोटिस कर लिया था आसिम रियाज की सिद्धार्थ शुक्ला ने, उसके बावजूद भी वो एज अ फ्रेंड अपनी दोस्ती चलाते रहे हफ्ते दर हफ्ते। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने आरती सिंह के लिए भी बोला था, तब भी वो उनके साथ दोस्ती चला रहे थे। डेफिनेटली वही, तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि लोगों को आरती आसिम इन सबको सिद्धार्थ शुक्ला की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिद्धार्थ को भी इनकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आरती के लिए वो इतना कुछ बोल चुके हैं कि मुखौटा मुझे इसका पता चल गया था, आसिम के लिए बोलते वो नॉर्मल ही नहीं है, मुझे उसका पहले ही पता चल गया था। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का मतलब ऐसा लग नहीं रहा था इसे देखिए कि उन्हें किसी की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो मुँह पर कह देते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरे टीम में चले जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम दो बार में अगर कुछ होता है वो कह देते हैं। हफ्ते हो चुके हैं और ये बात उन्होंने अब जाकर के बोली है, इतने दिनों से वो बोल चुके हैं, जब उन्होंने बोला कि मेरे को तो पहले से ही पता है इनके बारे में, ये तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं। उन बाकी के हफ्तों के दौरान तो अब तो लड़ाई हो गई ना, तो अब तो बोलेंगे ही। कहीं ना कहीं आसिम ने तो फिर भी कल बोला कि मैं तो बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ या करूंगी, जब सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता है तो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अकेले तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, एज अ टास्क के अंदर तो अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक चीज और, उन्होंने आरती के लिए भी पहले बोला, आसिम के लिए भी बोला, सारी चीजें उन्होंने पहले पहले बोली। दोनों की जो लड़ाई हो रही थी, इन दोनों की लड़ाई में ही सिद्धार्थ ने भी कुछ बातें कही आसिम को लेकर कि मुझे पता, स्टार्टिंग से मैंने देख लिया था, तुम्हें नोटिस कर लिया था। वहीं आसिम ने भी कही सिद्धार्थ को लेकर कि
स्टार्टिंग में तुमने ऐसा किया था, मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफी चीजें मतलब मन में भर के रखा हुआ है आसिम ने, इवन सिद्धार्थ ने भी कही कि भर के देखो, जब दोस्त होते हैं ना, जब दोस्त होते हैं तो चीजें नहीं क्लियर करते कि चलो छोटी मोटी चीज है, छोटी मोटी सिद्धार्थ शुक्ला को भी करनी चाहिए थी ना, 6 हफ्ते बाद वो बोल रहे हैं। प्रशांत कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने भी तो वही किया कि बाद में उन्होंने अपने तक रखी चीजें, जब आरती के साथ उनकी खराब हो गई चीजें, उन्होंने आरती को भी कह दिया कि तुमने मुखौटा पहना हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला का क्या है ना, सिद्धार्थ शुक्ला ने आरती के बारे में बोला, फिर वो आरती से बिल्कुल वैसे ही बात करने लग गए। उन्होंने शहनाज गिल के बारे में भी उसी तरीके की चीजें बोली, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो ऐसी है वैसी है, उनके साथ भी वो नॉर्मल हो गए। अब आसिम रियाज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़कियां हैं, वो लड़का है, तो उन वो भी बहुत स्ट्रांग है आसिम रियाज भी। अब आसिम रियाज कि किस वजह से लड़ाइयाँ होती है, वो किस वजह से उनके बीच में हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी डोमिनेट करते हैं, दूसरे की पक्ष रखने ही नहीं देते, उनकी बात वो सुनते ही नहीं है ढंग से, उनकी कोई बात ही नहीं मानते। जो है सिद्धार्थ शुक्ला स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह तो रहे हैं, सामने तो कह दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल रहे हैं, आई नो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहे हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते हो चुके हैं, अब आकर के क्यों बोल रहे हैं? इतने 5 हफ्ते जो साथ में मंडली बना करके बैठते थे, उस दौरान क्यों नहीं बोलते थे? तो सिद्धार्थ शुक्ला मंडली बनाकर नहीं बैठते थे, उनके साथ लोग आए, शिफाली को उन्होंने कहा मेरे साथ आके ग्रुप बनाओ, उन्होंने हिमांशी को कहा मेरे साथ आओ, हिंदुस्तानी भाव का अलग एक पर्सनालिटी है, उन्हें कहा उन्होंने आके मेरे साथ बैठो, हिंदुस्तानी भाव लोगों ने आके हिंदुस्तानी भाव का किसी के साथ भी ग्रुप नहीं है अभी तक, प्रॉपर किसी के साथ भी ग्रुप नहीं है। शैफाली जरीवाला सिद्धार्थ शुक्ला को डेट कर चुके हैं, उन्होंने खुद बोला था, वो उन्हें जानती भी हैं, तो अगर उनका कनेक्शन बॉन्ड है तो वो उस तरफ जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला ग्रुप की बात क्यों नहीं करते हैं? रश्मि देसाई जब घर में आई थी तब इन बोला था हमारा ग्रुप टूट गया, तो वो मानते हैं उनका ग्रुप है, उनके ग्रुप में लोग हैं। ठीक है यास्मीन, अब बात ये है कि क्या आसिम रश्मि देसाई की टीम में चले जाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अगर उनकी नहीं होगी, या वो आसिम अपना अकेले खेलेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आसिम अब टीम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हाँ भले वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली टीम को छोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पता है सबको ये चीज़ कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है, इवन सलमान ने भी चीज़ कहती थी कि शुक्ला की वजह से ही घर चल रहा है, ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि शुक्ला की वजह से ही कोई ना कोई बात उठती है तो नजर आता है इंसान सामने। पर सोशल मीडिया पे लोग आसिम और जब सिद्धार्थ की लड़ाई हुई थी तो आसिम का साथ देते नजर आए थे और उन्हें घर का हीरो भी कहा था प्रशांत। इवन मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि इस लड़ाई के बाद अभी भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा सिद्धार्थ शुक्ला का नाम, तो लोगों को अभी भी पता है कि फैन फॉलोइंग है ठीक है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई भी देख रहे हैं। बिल्कुल यास्मीन, मैं इसी पे आने वाली थी अभी कि सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी करते हैं प्रशांत, वो अग्रेशन दिखाते हैं टास्क में, उन्होंने मायरा को धक्का मारा है, जो भी चीजें होती हैं घर में वो लड़ाइयां भी कर लेते हैं, उसके बाद भी वो ट्रेंड करते हैं ट्विटर पे। इसलिए ट्रेंड करते हैं ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लोग उनको पसंद करते ही करते हैं, चाहे वो थोड़ी चीजें खराब भी कर दें, लेकिन वही बात है ना, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कोई पसंद है तो तुम उसको पसंद करोगे ही। सलमान खान है, सलमान खान के ऊपर कितने सारे चार्जेस हैं या किसी चीजों को लेकर वो फंस चुके हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कभी कोई कमी नहीं आती है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जब गलती होती है तो लोग ट्रोल भी उतना ही करते हैं, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में ज्यादा है उनका नाम, नहीं सपोर्ट में है, लेकिन सपोर्ट करने से पहले लोगों ने उनको बुरा बुरा भी बोला, उनको ट्रॉल भी किया, फिर से सपोर्ट भी करने लगे। वही बात बोली ना कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लोगों ने बहुत पसंद भी करते हैं। प्रशांत, हिंदुस्तानी भाव हमें अभी लड़ते हुए नजर आ रहे थे, विशाल के साथ लड़े, अब देवोलीना के साथ भी उनकी लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तानी भाव का असली रंग देखने को मिलेगा? डेफिनेटली, हम लोग आपस में बात कर चुके हैं कि अभी तक उन्होंने अपने कलर्स नहीं निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं अब बाहर आएंगे। वही है ना, अगर उनको ना छेड़ो तो वो शांत रहते हैं, अब उनको डर के तो सब नहीं रहेंगे ना। विशाल ने कल पंगा ले लिया, जो कि दिखने भी बाला, भाव बोल भी चुके हैं कि मैं कहीं ना कहीं उससे बहुत अपसेट हूँ, जिस तरीके से उसने आकर के चीजें मुझे बोली थी कि तुम्हारे पर्दे खोलूंगा या तुम्हारे राज सामने आएंगे, क्योंकि कल सोने के ऊपर एक बात हुई थी तो उस चीज के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। वहीं आज जो देवोलीना है टास्क के दौरान, वो भी उनसे भाव से भिड़ जाएंगी, भाव ने टच वच कुछ मारवा देंगे, शायद उनको कुछ लग वग जाए टास्क के दौरान, तो वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाएंगी। जिस तरीके से उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को गालियां दी थी लड़ाई करने के दौरान, उसी तरीके से वो हिंदुस्तानी भाव पे भी भड़कने वाली है, तो कहीं ना कहीं विशाल और देवोलीना के टारगेट बन चुके हैं अब हिंदुस्तानी भाव, और अब मुझे लगता है कि अगर उनको गुस्सा आएगा तो वो भी बरसने वाले हैं। क्या लगता है इसमें? हाँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तानी भाव अभी तक जिस
जो इमेज अभी तक उनकी बनी हुई थी घर से बाहर, तो वो इमेज घर के अंदर नहीं दिखी है। वो मतलब उनका ये पेशेंस लेवल को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इवन फैंस भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि उनका अभी वो वैसा रूप नहीं नज़र आया, जो अब्यूसिंग नेचर जो उनका दिख रहा है बाहर वैसा वाला नहीं दिखा है। तो इस चीज़ को लोग अब प्रोवोक कर रहे हैं, घर वाले भी प्रोवोक कर रहे हैं उन्हें। कल भी देखा गया कि आने वाले एपिसोड में ऐसा देखा जाएगा कि देवोलीना के साथ जो जैसा प्रशांत ने बताया कि लड़ाई होती है, तो वहाँ पे वो अर्टी सामने आकर सॉरी तो कह रहे हैं, हक करते हुए सॉरी कह रहे हैं, तो यहाँ पर देवोलीना फिर भी चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है उनके ऊपर कि मुझे चोट लगी है सॉरी से मैं क्या कर लूंगी। अब ये तो बिग बॉस का घर है ना यार, अब दिखना है लोगों को, कुछ ना किसी को टारगेट तो करना ही है, खाली तो बैठ नहीं सकते, बैठे रहेंगे तो बिग बॉस ही कहेंगे कि घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। कम से कम देवोलीना के इस चीज को करने से कहीं ना कहीं बाहु के कलर्स और उनकी जो चीज वो दबा के बैठे वो सामने आए। और जैसे कि अभी तक मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके पेशेंस लेवल को लेकर के, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं है कि वो अपने पेशेंस लेवल से बाहर निकलें या वो जो बर्दाश्त करके बैठे हैं वो उससे बाहर निकलें। क्योंकि कल मैंने हिंदुस्तानी भाव का यही पार्ट लोग देखना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा वाला लोग देखना पसंद करना चाह रहे हैं कि अभी तक ये जो दिख रहा है सीधे साधे से वैसे नहीं, वो भड़क कर सामने आए, लोग यही देखना वही देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देख करके अब थोड़े से लोग बोर हो चुके हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने देखा भी हो तो हिंदुस्तानी भाऊ एंटरटेन जरूर करते हैं लेकिन कोई उनसे ज्यादा बहस फालतू बोलता नहीं है। जैसे माहिरा को कल आपने देखा होगा एपिसोड के दौरान, अगर कोई उन्हें टच कर दे टास्क के दौरान, इवन लड़की भी टच कर दे तो कैसे भड़क जाती है। भाऊ ने उनको कल पकड़ के खींचा, वो उन्हें गुस्सा तो आया, उन्होंने बोला, लेकिन वो एकदम ऐसा लगा जैसे मतलब छोड़ दी उस बात कि मतलब शेर के आगे हाथ देना तो खतरनाक है, तो वो उन्होंने बड़ी आराम से उस चीज को मान लिया। तो कहीं ना कहीं भाव के सामने आने से बोलने से लोग डरते हैं, लेकिन विशाल जो हैं वो तो कल अच्छे से उन्होंने भाव की जो लगाई वो काफी ये था देखने लायक। और वहीं देवोलीना तो किसी से डरती नहीं है, तो सिद्धार्थ शुक्ला हो चाहे भाऊ हो हर किसी पे चढ़ जाती हैं लड़ने के लिए। तो अब भाऊ का डेफिनेटली अगर कुछ लोग घर में दो लोग करेंगे तो शायद और दो लोग भी बाकी के उन पर हावी हो सकते हैं, तो भाऊ के कलर्स देखने को मिलेंगे। यास्मीन चाहते जाते हम बात कर लेते कैप्टेंसी टास्क जो कल हुआ वो रद्द हो गया, वहीं अब लग्जरी टास्क चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है रद्द ही हो जाएगा, तो उस पर क्या कहना? अभी लग रहा है कि जो लग्जरी बजट टास्क को लेकर दो टीम डिवाइड की गई है, तो दोनों आपस में ऐसा नहीं है कि कोई एक टीम नहीं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि उसका घर तोड़ना है, दोनों ने ही एक दूसरे के घर तोड़ने की बात की है। तो शुरुआत तो आई थिंक शहनाज ही करती है जाकर दूसरे की टीम की। हाँ डेफिनेटली, मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि टास्क अच्छा चल रहा था, जो रश्मि और पारस वाली टीम है वो लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि सिद्धार्थ पहले नहीं करेगा, अगर खराब नहीं करेंगे तो शायद चलता रहेगा, लेकिन शहनाज को चुल मच रही थी कि मतलब कुछ तो एंटरटेन करो, कुछ तो ये तो बड़ा नॉर्मली जा रहा है। तो वो आसिम के साथ मिलकर के रश्मि वाली टीम का जो घर है उसको तोड़ने लग जाती हैं, फिर उसके बाद विशाल भी जाकर के दूसरी टीम का तोड़ने लग जाते हैं। अब आहारम जो है वो सिद्धार्थ वाली टीम में चले गए हैं इस बार, और जो विशाल हैं वो पारस और रश्मि वाली टीम में आ गए हैं। इसी बीच हाथापाई में देवोलीना और हिंदुस्तानी ना सिर्फ प्रॉप तोड़ेंगे बल्कि वो जो पूरा घर का जो उन्होंने बिग बॉस ने प्रॉप प्रॉपर तरीके से दिया वो उसको भी तोड़ देंगे, और बिग बॉस भड़क जाएंगे और वो इस टास्क को भी शायद या तो रद्द कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज भी कल बोली कि मैं सारे घर वालों को इतनी चीजें उन्होंने बोली, तो या तो सारे घर वाले नॉमिनेट भी हो सकते हैं और रद्द तो होना ही होना है, क्योंकि जब से ये सीजन शुरू हुआ है तुमने भी देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे टास्क हुए होंगे जो कि कंप्लीट हुए हों और वो भी सही तरीके से, या तो बहुत ज्यादा गंद मचा है या फिर सारे टास्क रद्द ही हुए हैं। सलमान भी वीकेंड के बाद पे बोल चुके हैं रद्द, तो फिर से मुझे लगता है ये भी रद्द होगा, इस बार फिर सलमान खान टास्क जो रद्द होते हैं उनको लेकर के फिर से इन सब की डांट लगाएंगे। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि यही आने वाले एपिसोड में ही देखा जाएगा कि हिंदुस्तानी भाव और देवोलीना के बीच जो लड़ाई हाथापाई में उतर आती है, ये दोनों अब वही आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि कैसे अब देवोलीना भड़कती हैं और हिंदुस्तानी भाव का क्या। वो भी दिखाया गया है कि हिंदुस्तानी भाव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कैमरा के सामने कि अब हिंदुस्तानी भाव इज बैक, अब दिखेगा हिंदुस्तानी भाव का असली नेचर। जो वही बात करी ना हमने कि अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं, अब छेड़ दिया है तो अब दिखाएंगे ना, तो वाकई में अब मजा आएगा देखने में उन्हें भी। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बिग बॉस का अड्डा हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच आग आरती सिंह ने लगाई है या नहीं।